राजस्थान में राज्यपाल आने के पश्चात मैंने इस बात की शुरुआत की कि संविधान के बारे में, उसके उद्देशिका के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, और संविधान जिसके माध्यम से इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित है उसके बारे में सामान्य जन को जैसी जानकारी होनी चाहिए, प्रबुद्ध जन को भी जैसी जानकारी होनी चाहिए, उसका अभाव प्रतीत हुआ था। इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं हर सब कार्यक्रम में मैं संविधान की उद्देशिका पढ़ूंगा और लोग उसको दोहराएंगे। और मौलिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, तो मूल कर्तव्य का भी हम पाठन करेंगे। मैंने अभिभाषण के दौरान बजट सत्र में, जो विधानसभा में होता है राज्यपाल का अभिभाषण, उसके पहले भी मैंने संविधान की उद्देशिका दोहराई विधायकों से और मूल कर्तव्य भी पढ़ के सुनाया। ये देश में पहली बार किसी विधानसभा में हुआ। और ये निर्णय लिया मैंने कि हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनवाए जाएंगे। और संविधान पार्क सबसे पहले मैंने राजभवन में बनवाया। संविधान बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई उसका एक ऐतिहासिक रूप है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बाकी का। और संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है, इसके लिए जो नंदलाल बोस जी के द्वारा चित्र उकेरे गए हैं संविधान के हर भाग के पहले, जो संदेश देता है उसको भी हमने उसमें उकेरा है। ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय में जो हमारा संविधान पार्क बनेगा उसमें भी आए, ताकि बच्चों को ये लगे कि हमारा संविधान कैसा है। इस बात को ध्यान में रख करके सभी विश्वविद्यालयों में हमने संविधान पार्क बनवाया है। और आज राजस्थान विश्वविद्यालय का तो संविधान पार्क अद्भुत बना है। मैं श्रीमान अनूप बरतरिया जी को बधाई देता हूँ, जिनसे हमारी व्यक्तिगत वार्ता हुई, काफ़ी चर्चाएं भी हुई। इस पर जो इन्होंने चित्रकारी की, नक्शा बनाया, देख करके मुझे अच्छा लगा और हमने कहा आप इस दिशा में काम करिए और आप आश्चर्यचकित होंगे, प्रसन्न भी होंगे। इन्होंने इसके बारे में एक भी पैसा नहीं लिया, चाहे राजभवन का संविधान पार्क बना हो चाहे विश्वविद्यालयों का संविधान पार्क बना। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, ताकि इस संविधान पार्क के माध्यम से हम विद्यार्थियों को एक सामान्य जानकारी संविधान के बारे में दे सकेंगे। और राजस्थान का संविधान पार्क, राजस्थान विश्वविद्यालय का तो अद्भुत बना है, बहुत ही अच्छा है। और एक टूरिस्ट पॉइंट से भी ये लोगों के लिए दर्शनीय होगा, लोग यहाँ आएंगे तो चाहेंगे कि यहाँ का संविधान पार्क जाकर देख लें। तो ये अच्छा हुआ है और आप सब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा है। धन्यवाद।